तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लेंस दे रहे हैं, वो कौन सी रीजन में आते हैं वो। तो हाइड्रोजन के ये इस क्वेश्चन में दिया है, हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रल लेंस होते हैं और उनका रीजन, ये वैसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वैल्यू देख के भी बता सकते हैं, लेकिन ये वैसे याद ही रखना होता है। जैसे एनसीईआरटी में इसका टेबल ही दिया होगा, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लेंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ पे लाइमन बाल्मर और ये सारे जो है, और उनका जो रीजन है कि कौन सी रीजन में वो फॉल करते हैं। तो बाल्मर जो वो विजिबल रीजन में होता है, ये तो याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट। और बाल्मर के आगे के जो होते पास्चन ब्रैकेट पीफन, ये इंफ्रारेड होते हैं, और उसके पहला जो पहले शेल में होता है लाइमन, वो अल्ट्रावायलेट होता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे लाइमन जो है, लाइमन जो होगा अल्ट्रावायलेट, बाल्मर जो वो विजिबल, और बाकी सारे जो वो इंफ्रारेड होंगे। तो मतलब ए का आंसर होना चाहिए टू, ए का आंसर टू, जैसे ए में भी दिया है और सी में भी दिया है। और बाल्मर तो विजिबल होता है, तो बी का आंसर फोर होना चाहिए, बी का आंसर फोर तो सी ऑप्शन में है, ए भी यहाँ पे गलत। सी और डी का यहाँ, सी का यहाँ पे थ्री दिया है, पास्चन का इंफ्रारेड और डी का वन मतलब पी फंड का इंफ्रारेड, तो ये भी सही है, थ्री और वन में से दोनों में इंफ्रारेड ही लिखा है, तो ये दोनों इंफ्रारेड होना चाहिए अभी हमने देखा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।